अजीब सा स्टाफ है यार, मेरे को बोल रहा है कि मैंने जैसे बोला ना मेरे को स्टैंडर्ड मेल चाहिए, बोल रहे मतलब मेरे को ऐसे मस्का लगा रहा है कि पाजी प्लीज़ आप वो वाला ले लो, 150 वाला ले लो, बढ़िया खाना मिलेगा आपको। मैंने कहा मतलब मैंने नहीं लेना यार, आपको ऐसा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे नॉर्मल मील लो, स्टैंडर्ड वाला मत लो। मैंने आज तक ना कभी दादा घाट को डे टाइम में देखा नहीं है भाई, वहाँ पे सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। के आगे क्या कि अवंतिका एक्सप्रेस गई है, अवंतिका का क्योंकि 6:40 का टाइम है उसका मुंबई सेंटर, अगर वो आ गई रही तो ये और डिले होगी। 15 मिनट तो हो ही चुके थे यहाँ मेघानगर पे रुके, और इसको देखकर आप समझ सकते हो मेरी दिक्कत और बढ़ चुकी है अब यहाँ से। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। तो भैया अभी मैं हूँ सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पे। पिछले बार में आप लोगों ने देखा था कि मेरी जर्नी चल रही होती है इस 12904 गोल्डन टेम्पल मेल में। हाँ ये गाड़ी वैसे उस टाइम डाइवर्ट होती है, और यहाँ से पार्ट टू से तो इसका नॉर्मल रूट ही चल रहा है। पार्ट वन में था जो डाइवर्ट रूट था वो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। नमस्कार सत श्री अकाल। अभी मैं आपकी डिमांड पे ही गोल्डन टेम्पल मेल की जर्नी अभी चलो उसका पार्ट टू शुरू हो रहा है, बाकी चलो अब यहाँ से आगे की जर्नी आपको देखने को मिलेगी। अपने लिए यहाँ की दाल पकौड़ियाँ ले ली हैं, और एक भाई के लिए लस्सी ले ली है जो को पैसेंजर है उन्होंने बोला था। चलो ये वैसे लेना ज़रूरी था यार, क्योंकि वैसे भी जो लंच किया था वो कुछ खास तो था नहीं। साइड पे आपको बंदर बहुत मिलेंगे, इनसे थोड़ा संभल कर रहना भाई ये आपका खाना लेके भाग सकते हैं। चलो वैसे लगभग आधा घंटा के करीब रुकने के बाद अब गाड़ी हमारी निकल चुकी है सवाई माधोपुर जंक्शन से। इधर बंदर का तो भाई क्या ही बोलूँ, जो लोग फेंक जाते हैं वो ये लोग खाना शुरू कर देते हैं। इनके लिए भी यार कुछ डाल दिया करो अगर आपके पास होता है तो। हमारी गाड़ी तो लास्ट प्लेटफॉर्म पे आई थी, यहाँ पे आप चाहो तो पानी पूरी भी खड़े होकर खा सकते हो, जिस हिसाब से गाड़ी आधा घंटा रुकी थी हमारी। अभी यहाँ पे आपको वैसे ही यहाँ पे पूरी सब्जी भी आपको आम ही देखने को मिल जाएगी। वैसे ये लोग जनरल कोच के पास ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे तो हमारी भीड़ बहुत लग जाती है इनके पास। चलो बाकी इस साइड पे गंगौर एक्सप्रेस भी साथ ही में आके लग चुकी है, जयपुर पे मिली थी पिछले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा। अब ये भी रिवर्सल लेके हमारे पीछे पीछे मुंबई सेंट्रल की ओर आएगी। गोमो वेस्टर्न जंक्शन। मैं तो चलो दाल पकौड़ियाँ आप टेस्ट करने जा रहा हूँ, जब गाड़ी निकल चुकी थी सवाई माधोपुर से। देखा जाए तो इन लोगों ने हरी चटनी के साथ आपको सर्व कर दिया दाल पकौड़ियाँ, काफ़ी फेमस होती वैसे यहाँ की सवाई माधोपुर की खास करके, और गर्म भी है। ये खाने में तो बहुत टेस्टी है, बस एक ही बात का ध्यान रखना, इसमें ना अंदर हरी मिर्ची भी बहुत होती है, तो कुछ मीठा साथ में वो फ्री खाना है इसको, इसी वजह से मैंने अभी चाय ली अपना एंट्री वालों से। वैसे टेस्ट है बस तीखा बहुत है अंदर।
बॉस, अभी वैसे 5:03 हो रहे हैं, गाड़ी हमारी वैसे 7.25 घंटा डिले है, अब पहुंच दिया कोटा जंक्शन पे। चलो फिर भी ठीक ठाक खींच गई है, तो मेरे को डर है ना जो मिस होने का कल ट्रेन, अब वो थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है, लेकिन अभी भी चांसेस है कि मिस हो सकती है। देखो अगर मैं जैसे 7.25 घंटा डिले, 6:45 मान के चलता हूँ, जब सवाई माधोपुर आई थी तब 7 घंटा ही डिले थी, तो 15 मिनट कवर किया, अगर ये 7.25 घंटा अगर रास्ते में और कवर कर लेना, मेरे को उतार दे, तो फिर मेरा थोड़ा डर कम हो सकता है। अभी चलो, बाकी पीछे मैंने देखा इसका यार ऐसा एक तरह से बंद ही किया हुआ है इन लोगों ने, ज़्यादा लोग इसमें बोर्ड हो नहीं पा रहे। जैसे मैं पीछे बोर्ड पे आया था, जैसे इसका नाम लिखा है हिंदी और इंग्लिश में, जैसे गोल्डन टेम्पल मेल इंग्लिश में है तो स्वर्ण मंदिर मेल मतलब जैसे हिंदी में नाम इसका, और ऐसे ही ना पश्चिम एक्सप्रेस है, जैसे उसका ना नाम पंजाबी लैंग्वेज में भी लिखा होता है, जैसे पश्चिम एक्सप्रेस, ऐसे ना इसका भी पंजाबी में लिख देना चाहिए। वैसे तो लिखा होता है गोल्डन टेम्पल मेल स्वर्ण मंदिर मेल, ऐसे पंजाबी में लिखा होता है, लेकिन मीनिंग पंजाबी में नहीं लिखता, मीनिंग आई थिंक इसका पंजाबी में भी अलग से नाम लिख देना चाहिए, जैसे हरमंदर साहब मेल या दरबार साहब मेल, ऐसे लिख देना चाहिए। हमारी ट्रेन का वैसे कोटा से स्टाफ चेंज होगा, बेसिकली लोको पायलट सर, ट्रेन मैनेजर और टीटी है, जो सब चेंज होंगे। लास्ट में आई थिंक जयपुर से चढ़े थे टीटी, अब यहाँ से सब चेंज होने वाले हैं। यहाँ से 4 अलग अलग रूट मिलते हैं, तो यहाँ से दिल्ली वाला रूट जो सवाई माधोपुर से हम लोग आ रहे हैं, एक रतलाम होते हुए वडोदरा, एक बेसिकली ये गुना होते हुए बीला मार्केट जाएगा, और एक यहाँ से उदयपुर साइड निकला है, इस साइड से जो मैंने कोटा से जो एक असरवा एक्सप्रेस की थी वो यहाँ से इस साइड पे निकल जाएगा। सिग्नल ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि क्या कि पीछे हमारे मुंबई जयपुर मुंबई गंगौर एक्सप्रेस लगी हुई है, तो इसके पीछे पीछे गाड़ी लगी हुई है, तो उस वजह से इसको प्रायोरिटी भी पूरी मिल रही है। मैं तो यही चाहता हूँ कि चलो लगभग ठीक ठाक पहुँच जाए यार गाड़ी, 5 बजे या 5:30 तक पहुँच जाए। मैंने कोटा जो चाय ली थी ना अभी यहाँ से, बेसिकली देखा जाए तो ये इंस्टेंट मिक्स टाइप जो टी है ना वो लग रही है, जैसे चाय उसकी जो चाय होती है ना वंदे भारत में जो इंस्टेंट मिक्स मिलती है, सेम वैसा टेस्ट आ रहा और गले में लग रही है एक तरह से। क्या एक्चुअल टाइम जो है सुबह 10:10 का था, और अभी 5:12 हो रहे हैं, अब चलने लगी है, तो सोचो उस हिसाब से डिले है। चलो भाई, 10 मिनट रुकने के बाद गाड़ी निकल गई थी कोटा जंक्शन से। इवन फ्रूट्स तक अवेलेबल है यहाँ पे, पीछे तो कुछ नहीं था, आगे ही था जो भी था, इधर कचौड़ी पकौड़ियाँ सब कुछ था यार। तो यही मैं बात कर रहा था, काफ़ी एडवर्टाइजमेंट की हुई यहाँ पे कोटा स्टूडेंट नीट के स्टूडेंट्स खास करके। के करीब टाइम हो रहा है, बाहर देखा मैंने अच्छा सा सनसेट हो रहा है, बाहर मैंने देखा अच्छे सा सनसेट हो रहा है अभी। चलो अच्छी बात है कि ये अभी इस टाइम पे इस रूट पे है ये, अभी आगे चल के दारा घाट आ रहा है, तो सनसेट में दारा घाट देखने का अलग ही मज़ा होगा, क्योंकि मैंने आज तक ना कभी दारा घाट को डे टाइम में देखा नहीं है। चलो और यह चलो सनसेट के टाइम पर ये चीज़ मिल जाएगी, और क्या चाहिए अब मेरे को।
भाई वहाँ पे सनसेट कितना अच्छा लग रहा है। भाई आप लोग गौर से देखोगे तो हम लोग अभी ऊपर ग्रेडियंट चढ़ रहे हैं। दारा क्रॉस करने के बाद इसने 130 खींच दिया और असली सनसेट तो अब देखने को मिल रहा है जिस हिसाब से। वैसे कि मिरर थोड़ा सा क्लीन नहीं है लेकिन बाहर का व्यू मेरे को अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखने को आ रहा है क्या सनसेट मिल रहा है बाहर। लो भैया 6:33 हो रहे हैं, अभी भवानी मंडी पे आके रुकी है। मतलब लाइफ में तो फर्स्ट टाइम कभी इस रेलवे स्टेशन को कवर कर रहा हूँ। और एक फैक्ट बताता हूँ इस रेलवे स्टेशन के बारे में, देखो मेरा कोच है अभी पीछे को और हम लोग हैं अभी नॉर्थ भवानी मंडी में। तो ये अभी मंडसौर है, हम लोग मंडसौर मध्य प्रदेश में है और जहाँ पे इसका लोकोमोटिव अभी है वो हिस्सा अभी राजस्थान स्टेट में झलावर डिस्ट्रिक्ट में। तो मतलब ये इकलौता आप मान के चलो एक इंडियन रेलवे का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो अलग अलग स्टेट्स में आता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। तो वैसे फर्स्ट टाइम इस जगह को अपनी किसी वीडियो में कवर कर रहा हूँ, भवानी मंडी बढ़िया वैसे। चलो मुश्किल से ये भी यही 2 मिनट ही रुकी थी, 6:33 पे आई थी, 35 पे निकली है भवानी मंडी से। चलो भैया पहले हम थे राजस्थान में, अब जैसे जैसे हम लोग आगे पहुंचे स्टेशन के आगे अगले हिस्से में, यहाँ से हम लोग मध्य प्रदेश में आ चुके हैं। पहले हम थे MP में और अभी हम लोग राजस्थान में एंटर कर चुके हैं फिर से। चलो क्या हुआ, कोई टक्कर खाई होगी किसी ने? यहीं से उड़ा क्या? नहीं आगे से उड़ा। अच्छा कोई टक्कर आ गया तभी इतनी जोर से रुकी है एकदम से, कुछ तो हुआ है। अभी गाड़ी तो चलो चल चुकी है, पता नहीं क्या हुआ था, कोई कह रहा था कि कोई जानवर नीचे आया, कोई कह रहा था कोई व्हीकल आगे आ गया था। अब पता पूरी बात मेरे को भी नहीं क्या है लेकिन गाड़ी चल पड़ी है,
मेरे को बस यही डर है यार, ऐसी सिचुएशन आती है हमेशा गाड़ी लेट जब मेरी चल रही होती है और मेरे को जल्दी पहुंचना होता है, तभी पता नहीं क्यों ऐसी सिचुएशन आती है रास्ते में। चलो जो भी है यार, मैं तो यही चाहता हूँ गाड़ी 6 बजे पहुँचता है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगला स्टॉप सीधा नागड़ा रुकेगी। मैंने देखा कि इस ट्रेन में भी जो कैंट्री कार में ना ऑर्डर लेने आए थे रात का डिनर का, तो पता नहीं अजीब सा स्टाफ है यार, मेरे को बोल रहा है कि मैंने जैसे बोला ना मेरे को स्टैंडर्ड मील चाहिए, बोल रहे मतलब मेरे को ऐसे मस्का लगा रहा है कि पाजी प्लीज़ आप वो वाला ले लो, 150 वाला ले लो, बढ़िया खाना मिलेगा आपको। मैंने कहा मतलब मैंने नहीं लेना यार, मैंने लेना स्टैंडर्ड वेज मील। आप मान के चलो आपको ऐसा कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि आप उनसे नॉर्मल मील लो, स्टैंडर्ड वाला मत लो, मतलब ऐसे क्या है, मतलब कुछ भी बोल रहे यार ये वाला। तो लो बॉस अभी 8:20 हो रहे हैं और अभी भी गाड़ी तो मान के चलो 7.25 घंटे के करीब दे जाएगा, और अब पहुँच गई गाड़ी नागड़ा जंक्शन पे। भाई आके अभी रुकी थी कि सिग्नल इसका ऑलरेडी दे दिया हुआ इन लोगों ने। बाकी इधर वीरभूमि लगी है इंदौर से लेके असरवा जाएगी ये, पहले तो उदयपुर तक होती थी, अब इसका रिवर्सल ले गई यहाँ से फिर जाएगी। इससे पहले हम लोग वेस्ट सेंट्रल रेलवे में थे, यहाँ से वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आ चुके हैं हम लोग। वैसे कहीं नागड़ा जंक्शन देखा जाए तो ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। देखो वैसे गाड़ी का क्या है कि अभी जैसे मतलब रुकी क्या है, एक तो चल भी पड़ी है, एक तो एक नंबर मान के चलो 19 पे भी नहीं, अभी 20 पे आई है, 22 पे एग्जैक्ट निकल भी गई, मेरे को अभी चढ़े हुए भी 10 सेकंड हो गए हैं। मतलब ये लोग ज़्यादा इसको रोक नहीं रहे हैं। और इसके आगे क्या कि अब अंतिया एक्सप्रेस गई है आगे, मतलब अभी तो काफ़ी आगे हो चुकी है, अगले स्टॉप पे भी पहुंच गई होगी। मेरे को अब और डर पड़ चुका है कि अब अगर अवंतिका का, क्योंकि 6:40 का टाइम है उसका मुंबई सेंट्रल, अगर वो आगे ही रही तो ये और डिले होगी। मुझे लगता है इसको उसको पीछे ओवरटेक करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत शेड्यूलिंग सही होगा। बाकी आपको पोहा मिल जाएगा और आपको समोसे, ये सब तो चीज़ें नॉर्मल ही है यहाँ पे, और भी कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी इस साइड पे। यहाँ से क्या है कि बेसिकली ये जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे ना एक लाइन यहाँ से उज्जैन साइड से आई, जहाँ से अभी ये आई वो आगे इंदौर को निकल जाती है, और एक लाइन उज्जैन से आगे भोपाल की ओर निकल जाती है। वैसे यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ भोपाल उज्जैन के लिए आप ट्रेन बदल सकते हैं। अभी जैसे कुछ टाइम पहले नागड़ा निकला है, तो मैंने ना पूरा एक्चुअल में कैलकुलेशन किया है, लुधियाना से लेकर रतलाम तक रूट डाइवर्ट, मतलब जब हम जयपुर जैसे होकर आए तो इसमें हम लोगों ने टोटल मान के चलो 1170 से लेकर 1200 किलोमीटर हम लोगों ने अभी कवर किया डाइवर्टेड रूट का। वैसे इसका एक्चुअल में जो नॉर्मल रूट होता है उसमें 1200 से प्लस किलोमीटर हो जाते हैं इसके। तो देख लो भाई अभी वैसे 9 बजने को आ रहे हैं, मेरे को मिल चुका है रात का, इस ट्रेन का आखिरी मील मान के चल सकते हो रात का डिनर। और ये मैंने उनको वैसे खास कर बोल दिया था जब वो ऑर्डर लेने आए थे कि भैया गरम देना रोटी, दोपहर को गरम नहीं मिली थी, तो अभी उन लोगों ने एकदम से गरम ही सर्व किया, चलो अच्छी बात है। देख रहे हो भाई इन लोगों ने बिल्कुल सेम टू सेम लंच ही दिया है एक तरह से, डिनर में भी, बस फ़र्क ये है इसमें मेरे को स्पून नहीं दिया गया, क्या हाथों से खाना पड़ेगा क्या, अब पता नहीं यार अब क्या है। इस ट्रेन का ना खाना कुछ खास नहीं लगा मेरे को, मैंने जिस हिसाब से इसको खा के देखा तो भैया मतलब कुछ खास तो नहीं लगा मेरे को, बस ये कहूँगा कि दोपहर वाले से तो फिर भी अच्छा लगा। बस इसमें फ़र्क एक और था कि पराठे की जगह हमको 3 रोटियाँ दी थी, 2 तो मैंने खा ली, ये मेरे से खाई नहीं जाएगी। अब दिक्कत एक और है, जैसे मैंने बोला चम्मच उन लोगों ने दिया नहीं है तो मैं चावल कैसे खाऊंगा, नहीं तो मुझे लगता है इसी का चम्मच बनाना पड़ेगा, ये जो इसका ऊपर वाला कवर था का गत्ता वाला, चलो यही जुगाड़ लगाया अभी इसी का चम्मच बना के अभी इसी से खाता हूँ यार। तो आ गई भैया, लगभग इसने अभी 1250 किलोमीटर कवर किए हैं, 9:05 हो रहे रतलाम आई है, और ये है कुछ माहौल रतलाम का। चलो मेरे पास एक रोटी बची थी, सोचा इसी को डाल देता हूँ, अला ले आजा लो खा लो जाओ।
खा नहीं रहा यार ये वाला। चलो मैंने वैसे देखा अभी पीछे से कोटा के बाद जो भी रेलवे स्टेशन मैंने कवर किया ना, फर्स्ट टाइम कोई कवर कर रहा हूँ किसी अपनी जर्नी में, तो रतलाम भी उनमें से एक है। RTM वेस्टर्न रेलवे का एक रेलवे स्टेशन है और इस रूट का एक मेन रेलवे स्टेशन है बेसिकली कोटा से लेकर वडोदरा रूट में। आज से एक साल पहले या मान लो 6 महीने पहले मान लो काफ़ी ट्रेन ऐसी थी ना जो यहाँ पे रुकती नहीं थी, जैसे अमृतसर कोचीवली केरला संपर्क क्रांति और महाराष्ट्र संपर्क क्रांति और भी कई ट्रेन थी जो कोटा से सीधा वडोदरा रुकती थी, और अभी वो ट्रेन लेकिन यहाँ पे भी रुकती हैं। स्टेशन कोड RTM बेसिकली देखा जाए तो ये रतलाम जंक्शन पॉइंट है, यहाँ से 4 अलग अलग रूट हो जाते हैं, एक जहाँ से आ रहे हैं कोटा साइड से, एक जहाँ जाएंगे वडोदरा, एक यहाँ से इंदौर के लिए लाइन निकल जाती है और एक यहाँ से चित्तौड़गढ़ के लिए भी लाइन निकल जाती है। काफ़ी बिजी जंक्शन है, मतलब आप मान के चलो यहाँ पे डेली में 250 से 300 ट्रेन रोज हॉल्ट करते हैं दिन में। ये शहर ना अपने सेब के लिए बहुत जाना जाता है, सेब वगैरह यहाँ पे बहुत लोग खाते हैं और उसी पे आपको स्टॉल पे भी ये सेब वगैरह बहुत मिलेंगे, आपको कई वैरायटी मिलेंगी उल्टा सेब वगैरह की। वैसे रतलाम पे इस ट्रेन के वॉशरूम की भी अच्छी खासी तरीके से सफाई हो रही है यार, और ये कोई ऑनबोर्ड स्टाफ नहीं है, यहीं से कोई स्टाफ यहाँ से चढ़ा है रतलाम का, वही साफ सफाई कर रहे ट्रेन की। अच्छा यार, चलो सोचा क्यों ना यहाँ से ढोकला ही ट्राई कर लिया जाए। अब ले ले चलो खा ले। अभी सिग्नल तो इसका हो चुका है, मैंने कहा चलो एक मेरे पास कल वाली रोटी बची थी सोचा इसी को डाल दिया जाए। चलो किसी के मुंह तो लगी है, नहीं तो मेरे को फेंकनी पड़नी थी। वैसे गाड़ी जब चली तब मेरे को पता चल रहा है आगे चल के इतना कुछ मिल रहा है, क्योंकि तो पीछे तो भैया कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। एक एक स्टॉल पे मैंने देखा सेव आपको मिलेंगे उस साइड पे, तो मेरे को तो पीछे लगा था उसी स्टॉल पे सिर्फ, यहाँ पे भी सेव, यहाँ पे भी सेव, और आगे तो चलो होंगे ही। जितना मैं देख पा रहा हूँ, अगर आप रेलवे स्टेशन के बिल्कुल आगे वाली साइड बाहर साइड देखोगे तो यहाँ पे एक कोच को ही रेस्टोरेंट बनाया हुआ बाहर, रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स। ये तो आजकल मतलब आपको हर बड़े स्टेशन पे के बाहर देखने को मिल जाएगा, ये तो आपको चलो हर आजकल बड़े रेलवे स्टेशन के बाहर आम ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो भी अच्छा दिख रहा है यार, आपको ट्रेन से भी ऐसा एक रेस्टोरेंट ऑन बोर्ड देखने को मिल रहा है, और यहाँ से तो आप अंदर भी देख सकते हो कैसे डाइनिंग लगी हुई है। डाइनिंग यहाँ रतलाम से निकलने के बाद एक राइट साइड पे कर्व बहुत अच्छा आता है, बढ़िया है यार। इधर कोई हम सफर एक्सप्रेस आ रही है, मैसूरू उदयपुर पैलेस क्वीन हम सफर। एक ही स्लीपर है इसमें, चलो बाकी रतलाम के बाद अब ढोकला ट्राई करते हैं रतलाम में कैसा मिलता है। है तो मेरे को सॉफ्ट ही लग रहा है वैसे, वैसे मेरे को एक्चुअल में तो पता नहीं है कि ढोकले को मतलब कैसे रिव्यू करना है या कैसा नहीं, बाकी ये क्योंकि जिस हिसाब से मैंने खाया, जितना मैंने अपने घर में खाया ढोकला मंगा के बाहर से, तो ये कहूँगा उतना मेरे को फ्रेश लग नहीं पा रहा, हो सकता है फ्रेश हो या मैं नहीं सही से जज कर पा रहा हूँ, बाकी जो क्योंकि मेरी मैंने ये सब चीज़ें कम ही खाई हैं, तो चलो मेरे को मिल गया तो मैंने ऐसे ही रैंडमली ले लिया, ये तो मेरा कोई वो नहीं था, बाकी जो भी चलो रात को डिनर के बाद ये इसका खाने का भी अलग ही मज़ा है। अभी
से गाड़ी तो अपना अभी भी 7 घंटे से ऊपर डिले हो चुका है, जिस हिसाब से इसका डिले चल रहा है। बाकी मैं तो चलो ऐसे थोड़ा बहुत घूम रहा था खाना पीना खा के, मैंने देखा मेरे को अपने दो सब्सक्राइबर मिल गए थे। भाई भाई आपका नाम क्या? अरे भी है रवि वासवानी। रवि वासवानी भाई ने बोला भाई अभी ये सर अभी वैष्णो देवी घूम के फिर अमृतसर घूम के और इसी में अमृतसर से आ रहे हैं, है ना? और भाई आपने ना श्रवण, और ये भी मतलब अमृतसर होके वैष्णो देवी होके पूरा घूम के आया। भाई कैसा लगा अमृतसर? हाँ वहाँ के कुल्चे छोले आपने ट्राई किए होंगे? हाँ अभी उनकी जयंती आने ना। हाँ कल जयंती अखंड पाठ। भाई वैसे कोई ना मेरे को ऐसे रैंडम कोई ना कोई मिल जाता ना, तो उनके पास फिर बातचीत वगैरह करने में टाइम बीत जाता मेरे को ऐसे ही। अभी भी मेरे को अभी मैं जैसे कुछ टाइम पहले था किसी रैंडम स्टेशन पे जैसे स्वाई माधोपुर पे कोई ना कोई मेरे को मिला था, वैसे कोई ना कोई मेरे को मिल जाता है ना फिर बातचीत करने में लग जाता हूँ भाई। बाकी ये अभी सोने वगैरह की तैयारी करता हूँ, या वैसे भी रात जो है ना 10:30 के करीब तो टाइम अभी हो गया। अभी मैंने देखा है ये वाला जो मेरी सामने वाली सीट थी ये कल बस अम्बाला तक ऑक्यूपाइड थी कल के डे में, और आज के डे में यही वाली सीट जो है बस रतलाम तक ऑक्यूपाइड थी। मतलब आधी जर्नी तो मेरे ये सारी सीट्स भले वो ये तीनों सीट्स मेरी वाली को छोड़ के ये वेकेंट ही रही हैं। और अभी मैंने अटेंडेंट बोल रहे थे कि गोड्रा से आएंगे यहाँ पे कोई पैसेंजर, और यही बात अच्छी लगी लेट होने की कि गाड़ी जो मतलब अब मेरे को रात जो है ना वो कहीं और नहीं बितानी पड़ेगी, इसी में मेरा नाइट निकल जाएगी रात पूरी। बाकी चलो अभी सुबह का मेरे को खुद नहीं पता गाड़ी मैं पकड़ पाऊँगा या नहीं पकड़ पाऊँगा, अभी भी 50-50 चांस ही है। इसको 15 मिनट तो हो ही चुके थे यहाँ मेघानगर पर रुके, और इसको देख कर आप समझ सकते हो मेरी दिक्कत और बढ़ चुकी है अब यहाँ से, क्योंकि पीछे से अब जो गाड़ी आएगी वो इस किससे आगे निकलवाएंगे। आई थिंक ये गंगौर होगी जो इसके पीछे आई है अब, और इसको शायद हो सकता है आगे निकलवा दें ये। मेरा शक सही निकला, इसको सिग्नल दे दिया गया और हमारी वाली पिट गई यहीं पे। लो भाई चलो भाई क्या ही कर सकते हैं अब जैसे जिस हिसाब से ये निकाली मुझे लगता है इसके पीछे और भी कई गाड़ियां हो सकती है जिन लोगों को ये जिसको निकाल सकते हैं ये। बाकी चलो यार जो भी होगा देखा जाएगा, मिलेंगे कल मुंबई में मिलेंगे भले ट्रेन बोर या ना हो, चलो बाकी आगे वाली गाड़ी मिलती नहीं मिलती मैं तो चलो आपको सुबह मिलता हूँ, अब थोड़ी बहुत नींद पूरी करता हूँ यार। तो देख लो भाई सुबह के 6:55 हो रहे हैं अभी, गाड़ी बोरी वाली पहुँची है अभी, अब ये गाड़ी 8 घंटा लेट है। देखो उससे पहले तक थोड़ा बहुत कवर कर रही थी 7:45 ऐसे रह रही थी, 6:30 भी आ गया था मतलब कोटा तक, तो फिर रात को पता नहीं क्या हुआ इससे पहले तो 8 घंटे अभी तो चलो 8 घंटा है, मैंने कुछ भी मैं सुबह उठा था 6 बजे के करीब तब तो ये 8:30 घंटा डिले थे, अभी फिर भी थोड़ा बहुत कवर किया है क्योंकि इसके पीछे का गाड़ियाँ आगे के पीछे लगी हुई हैं उस वजह से पूरी स्पीड पर जा भी नहीं पा रही। अब अगला स्टॉप अब सीधा मुंबई सेंट्रल है, मैं चाहता हूँ 7:30 तक तो कम से कम पहुँचा दे मेरे को, हो सकता है 7:30 मैं तो चाहता हूँ 7:30 हार्डली 7:30 तक पहुँच जाए मुंबई सेंट्रल, मेरे पास वही एक लास्ट चांस है वहाँ से फिर मैं लोकल पकड़ूंगा डायरेक्ट जाऊँगा वहाँ से दादर एस्टेशन, वहाँ से फिर दादर सेंट्रल जाके दादर सेंट्रल से पकड़ूंगा मैं ट्रेन, वैसे मेरी CST से बुकिंग है ऑलरेडी और लगभग ट्रेन मैंने देखा वैसे यहीं पर खाली हुई, यहीं पर काफ़ी लोग उतर गए इस ट्रेन में से। अभी चलो हमने पार्सल तो ले लिया था मेरा शुक्र है कि चलो 2 मिनट रुकी ज़्यादा रुकी नहीं थी घर मेरे लिए अच्छा है।
7:40 अभी लगभग 7:40 से ऊपर टाइम हो गया और अब जाके अराइव कर रही है मुंबई सेंट्रल में, लगभग 8 घंटा और 10 मिनट डिले के साथ। नॉर्मली ये गाड़ी 28 घंटा 40 मिनट लेती है अमृतसर से मुंबई सेंट्रल, मतलब सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है बेसिकली अमृतसर से मुंबई सेंट्रल के लिए। लेकिन अभी इसने जितना टाइम लिया ना, अब मान के चलो लगभग इसने 37 घंटा ले लिया अमृतसर से, क्योंकि घूम कर आई है यार। अब मुझे लगता है और जो अभी जो कल मुंबई मतलब जो कल चली थी ना अमृतसर से रात को, तो वो भी डिले मतलब डाइवर्टेड है। अभी मैंने उसका स्टेटस चेक किया कि गुरुग्राम से निकली है वो, तो ये मतलब अभी इस टाइम पे इसका डाइवर्टेड का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी क्या है कि मेरे को 7:48 तो अभी हो रहे हैं, मेरे को पकड़नी है 8:30 जाके दादर से अगली ट्रेन उद्यान एक्सप्रेस। भाई अभी जाता हूँ फटाफट लोकल साइड में, लोकल पकड़ के सीधा दादर बस स्टैंड जाऊँगा, वहाँ से सीधा उस साइड पे क्रॉस करके सेंट्रल से गाड़ी पकड़ रहा हूँ। इसका जो फेयर है एंड टू एंड वैसे 760 से शुरू हो जाता है, स्लीपर का 760 है, 1980 का थर्ड एसी का, और मैं जिसमें हूँ उसका 2860 है, और लगभग 4000 के करीब, मतलब 4000 मान के चलो, जैसे 4860 रुपये ऐसे कुछ लगभग फर्स्ट एसी का इसमें। वैसे इसमें आपको ना करंट सीट्स मिल जाएंगी, हाँ एंड टू एंड आपको कम ही देखने को मिलेंगी, आपकी किस्मत है। अगर आप इंटरमीडिएट आपको काफ़ी करंट सीट मिलेंगी, क्योंकि इसमें 3 तो सेकंड एसी के कोच ही हैं, एक फर्स्ट एसी का, और बाकी इसमें B1 से B6 तक तो थर्ड एसी हैं, और S1 से S6 तक स्लीपर है। और हाँ एक चीज़ और मैंने नोटिस की थी, मैंने आपको पहले भी शायद बताई होगी, इसमें वैसे इसमें एक पार्सल का कोच भी था, लेकिन रूट डाइवर्ट हो गया है तो पार्सल का कोच इसमें लगाया नहीं जा रहा, और जनरल कोच एक तरफ ही कर दिया इन लोगों ने, दोनों तरफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना भी कुछ टाइम के लिए। जर्नी एक्सपीरियंस मतलब कुछ खास नहीं कहूँगा यार मेरे को, मतलब जो उम्मीद जिस उम्मीद से मैंने इसमें ट्रैवल बुकिंग करवाई थी, जो सोच के मैंने इसमें बुक करवाया था कि अच्छा चलो ट्रैवल करूँगा, लेकिन वो उम्मीद दिखी नहीं, तो डाइवर्ट थी ऊपर से लेट, मतलब सारा मज़ा मेरा ना ख़राब हो गया। बाकी ये था कि खाना पीना कुछ खास नहीं मेरे को लगा इस गाड़ी का, आप अपना ही लेकर आना भाई, बैटरी के भरोसे मत रहना इस गाड़ी के। हाँ साफ़ सफाई फिर भी ठीक ठाक चलो हो रही थी गाड़ी की, अच्छी खासी साफ सफाई थी, वॉशरूम भी ठीक ठाक मैं कहूँगा थे इसके, पूरी जर्नी के लिए स्मेल ज़्यादा आ नहीं रही थी उसमें से, मतलब देख रहे हो ना किस हिसाब से मैंने जर्नी किया। और अगली ट्रेन अब जल्दबाजी में पकड़ रहा हूँ, तो लाइक करना मत भूलना अगर यहाँ तक देख लिया तो। चलो फिर आपको अगली जर्नी में मिलता हूँ आपसे, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।